चलो गाइस, आज हम लोग देखते हैं कि सॉफ्टवेयर का कॉस्ट कितने होते हैं। काफ़ी लोग के जो क्वारीज होती है ना, हमारा सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर ऐसे तो लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं थोड़ा सा स्टूडेंट वर्जन यूज़ कर लेते हैं, पायरेटेड यूज़ कर लेते हैं, तो आइडिया नहीं मिलता। लेकिन जो एक अच्छे स्टूडियो होते हैं, जैसे नामी ग्रामी स्टूडियो हैं, लक्ष्य है ना, गेम शास्त्रा, डी नैग है ना, डी क्यू, ऐसे जो स्टूडियो, उन लोगों के स्टूडियो में क्या होता है, अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों पर 100 सॉफ्टवेयर, 100 सिस्टम और प्लस 100 सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो अभी जरा देखेंगे कि भाई अगर मेरे पास अगर एक सिस्टम है माया का, जिसमें मैं माया यूज़ करता हूँ, स्टूडियो में क्यों नहीं वो लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करने देते। जैसे घर पे हम लोग, यहाँ पे हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट, नेट से पायरेसी बहुत चल रही है तो हम लोग पायरेसी में कई लोग यूज़ कर लेते हैं। मैं तो खैर ओरिजिनल वर्जन यूज़ करता हूँ, लेकिन हाँ जब स्टूडेंट्स हम लोगों के लिए लाइक इतना अफोर्डेबल नहीं है तो स्टूडेंट वर्जन यूज़ कर लेते हैं कि हाँ अगर अच्छे स्टूडियो में जा रहे हो तो आप एक माया सॉफ्टवेयर का जो एक साल का जो कॉस्ट है वो कितना है, 1785, मतलब $1,785 पर ईयर है। अगर मैंने देखा यहाँ पे, अगर मेरे पास यहाँ पे मैंने डाला यहाँ पे, तो 1785 का अगर मैंने देखा भाई इंडियन रुपीज़ में कितना होता है, तो 147,595 पैसा एक सॉफ्टवेयर का कॉस्ट है। अभी सपोज एक्स पर्सन है मेरे पास जो क्या कर रहा है कि भाई उसने स्टूडियो खोल दिया, ठीक है, अच्छा स्टूडियो खोल रहा है, मान लो छोटे लेवल पे भी खोलता है, तो उसे सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी कई फीचर्स कई चीज़ें एक्टिव नहीं होती। अगर आप पायरेटेड खोलते हो तो कंपनी पे छापा लग जाता है, और छापा लगने के बाद जब से आपने स्टूडियो खोला है और जितने साल चला है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे मैंने बताया 147,000, ठीक है, 595.40 पैसा, ये एक सिस्टम पे एक माया का कॉस्ट है, इनटू अगर मेरे पास 10 है तो 14 लाख का सिर्फ माया, तो ये थोड़ा भारी पड़ता है। इसलिए अभी मार्केट में देखो तो कई लोग ब्लेंडर ये सब फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ करने लगे हैं, जो फ्री है कि इतना पैसा बच जाएगा, लेकिन जो माया जो दे सकता है वो और कोई सॉफ्टवेयर नहीं दे सकता। ये भी मैं आपको बात बताता हूँ, माया को कोई ऐसे पीछे नहीं कर सकता। क्या माया हो गया, मैक्स हो गया, जीवस हो गया। अब जैसे मैंने बताया 88 पिक्चर में अगर मान लो माया प्लस जीवस की रिक्वायरमेंट है तो उसकी कॉस्टिंग कितनी होगी। अब अगर आप माया पे काम करो, मॉडल करो, टेक्सचर करने के लिए आपको फोटोशॉप भी चाहिए है ना, तो देखो यहाँ पे फोटोशॉप का कॉस्ट कितना है, फोटोशॉप का 20.99 मंथली है। अगर मैं अगर यहाँ पे जैसे क्या होता है सेल करना है ना इन लोगों को, तो सेल करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं इन्होंने, ये बताया भाई 20.99 ईजी लगता है, सस्ता है, लेकिन ये बताते नहीं कि इंटू 12 भी करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल मिला के कितना होगा, एक साल का 251, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे डॉलर का जो रेट मैंने देखा, डॉलर का रेट अगर मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक डॉलर अगर यहाँ पे कर दूँ यहाँ पे, तो फिलहाल मेरे पास जो डॉलर का जो कॉस्ट है इनटू मैंने कर दिया 82.69, तो आपका जो फोटोशॉप का जो कॉस्ट बनता है तो कितना है, अगर आप यहाँ देखो तो 20,827.9572, ये इतना आपका पैसा बनता है, ठीक है, सिर्फ फोटोशॉप का है। अभी अगर मान लो हमारे यहाँ पे जो स्टूडियो का जो मालिक है पैसा बहुत है तो वो ये खरीद लेगा जिसको लगता है। अभी देखो जब स्टूडियो में आते हैं ना एक एक पैसा का यूटिलाइज करते हैं। क्या अभी मान लो मेरे पास एक एम्प्लॉई जिसको माया फोटोशॉप का ही काम है, तो मैं उसे बाकी चीज़ क्यों दूं, एक्स्ट्रा पैसा देने का मतलब नहीं होता। अगर उसका इलस्ट्रेटर का या उसके सिवा और कोई सॉफ्टवेयर का काम नहीं है, ठीक है, जैसे फोटोशॉप का यूज़ है, लाइट रूम, इलस्ट्रेटर, इनडिजाइन, प्रीमियर प्रो का यूज़ उसे नहीं है, तो उससे नहीं देते। स्टूडियो में स्पेशली डिफाइन होता है जो मॉडलिंग आर्टिस्ट है, मॉडलिंग आर्टिस्ट के लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर डिफाइन है, तो उसे माया चाहिए, फोटोशॉप चाहिए, अगर काम अच्छा करे तो उसे सब्सटेंस भी चाहिए। अब चलो सब्सटेंस में भी आ जाता है, सब्सटेंस के अंदर देखो तो सब्सटेंस का कॉस्ट कितना है, तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो मेरे को सब्सटेंस का कॉस्ट कितना दिख रहा है, 1995, अभी डिस्काउंट चल रहा है, लेना हो तो ठीक है, ठीक है, पहले इतना था, ये मंथ का है तो आपको फिर से इंटू बाई 12 कर दिया, तो देखो यहाँ पे कितना है, ये इतना डॉलर है 23,944, सबसे ज़्यादा मार्केट में यही चल रहा है सब्सटेंस टैक्सिंग के लिए। उसके पीछे रीज़न है कि भाई टैक्सिंग करोगे तो उसमें बहुत जल्दी क्वालिटी निकल के आ जाती है, लेकिन अगर इसको अगर मैंने सिर्फ फिर से वहाँ पे गया, मैं कहा चलो भाई एक बार कैलकुलेट कर लें, तो मैंने इनटू क्या कर दिया, इनटू कर दिया मैंने यहाँ पे 82.69, तो आपको कॉस्ट पता चल जाएगा कितना है, कहीं ना 10,000,000, 10 लाख, ठीक है। तो अगर मैंने एक सिस्टम पे अगर मैंने डाला इसे तो 19 लाख, ठीक है, 19,79,975 रुपीज़ लगेंगे।
ओके गाइस, अभी देखो यहाँ पे हुआ क्या, सबका मैंने डॉलर का कॉस्ट देखा, डॉलर डॉलर डॉलर, लेकिन मैंने शायद यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे इंडियन रुपीज का आइकन दे रखा है। अभी मैंने सबका डॉलर का ही देखा था, डॉलर का ही ऐसा था। तो अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे कैलकुलेटर से एक बार फिर से एक बार क्रॉस चेक कर ले, तो इन्होंने सीधे डॉलर में कन्वर्ट करके दे रखा है। ठीक है, 1995.38 × 12 करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर भी 23,944, ठीक है, एक ईयर का एक सॉफ्टवेयर पे इतना कॉस्ट बन जा रहा है। तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हाँ, सब चीज़ के ऊपर क्रॉस चेक कर लेना। यहाँ पर डॉलर और डॉलर का रेट देख लेना, क्रॉस चेक करोगे आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई कैसे कैसे सॉफ्टवेयर का क्या क्या कॉस्ट है, किस टाइप से काम है। और यही सेम चीज़ आपको जीवीएस के लिए भी आता है। जीवीएस के लिए अगर आप देखो, यहाँ पर डॉलर है तो हम लोग सेम चीज़ उसको भी ऐसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, 359.90 × हम लोग अगर यहाँ पर जाएँ तो डॉलर रेट से यहाँ से मैं फिर से मैं मैनेज कर सकता हूँ। इंटू कितना है, 82.69, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हुआ क्या, देखें वापस, कहाँ के जीरो 359.90 × इंटू यहाँ पे कितना है, 82.69 इज इक्वल टू कितना है, 29,760। तो अभी एक सिस्टम में अगर मैं जोड़ने जाऊँ तो मेरे पास एक माया, एक फोटोशॉप, एक जीवस का कॉस्ट अराउंड अराउंड 2-2.5 लाख के आसपास पड़ जाएगा था एक सिस्टम में। अगर आप 3 सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो मिनिमम कॉस्ट इतना होगा। इसीलिए स्टूडियो वाले परचेज वर्जन ही यूज़ करते हैं। कुछ स्टूडियो के नाम आपको बता देता हूँ, जैसे लक्ष्य है, विबिंग है। विबिंग एक ऐसा स्टूडियो था कि उसने जीवस यूज़ किया और उसके यहाँ पर छापा पड़ा, वो स्टूडियो बंद हो गया। ठीक है, क्योंकि मैं उसमें अच्छे से इसलिए एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मैं उसमें जॉब के लिए जाने वाला था। ये अप्रॉक्सीमेट आज से 16 साल पहले की बात बता रहा हूँ। ठीक है, लक्ष्य था आज से मैंने 7-8 साल पहले की बात बता रहा हूँ। लक्ष्य स्टूडियो है, उसमें भूल से एक सिस्टम पे उन लोगों ने जब छापा पड़ा, एक सिस्टम पे वो लोग बिना लाइसेंस वाले यूज़ कर रहे थे, तो 3 दिन के लिए बंद हो गया था। आप बिलीव नहीं मानोगे, मेरे कॉन्टैक्ट उसके अंदर बहुत अच्छे थे, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने बताया कि 3 दिन तक आपका लक्ष्य बंद था और 3 दिन के बाद उसने सेटल किया। सेटलमेंट कितना था, एक सिस्टम पे एक उन्होंने प्रायोरिटी चलाया था, वो भी किसी की गलती से चलाया था। वैसे उनका मोटिव तो नहीं होता, किसी ने मान लो कोई अच्छे पोस्ट पर था, उसने चेंज करके चला दिया और उसी टाइम छापा पड़ गया। तो उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम का एक सिस्टम पे चार्ज नहीं लिया। जितने भी सिस्टम है, सपोज अगर मैंने, मेरे पास अगर 50 सिस्टम है तो 50 × अगर मेरे सॉफ्टवेयर का कॉस्ट 2 लाख रुपए है, ठीक है, तो ये किया इन्होंने। ठीक है, इसके बाद लक्ष्य खुला कितने सालों से, 10 सालों से खुला है, 10। तो इतने पैसे उन्होंने चार्ज किए तो जाके उनके ऑफिस को सब कुछ छोड़ा। तो ये अंदर की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ऐसा हुआ है। इसीलिए जितने भी जाने माने स्टूडियो होते हैं वो कभी भी रिस्क नहीं लेते इन सब चीज़ों में। वो आपको साफ बोल देंगे, अगर आपको काम करना है माया फोटोशॉप ही देंगे या माया फोटोशॉप सबसे देंगे जो रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो पायरेटेड अलाउड नहीं करते। ठीक है, क्योंकि ये जानी मानी चीज़ें हैं, इसलिए छापा से बचना चाहिए और जो पायरेसी उसे बंद करना चाहिए। ठीक है, पर्सनली यूज़ के लिए एक ही सिस्टम पर नहीं पीछे पड़ते, लेकिन हाँ, जो स्टूडियो अच्छा है और उनमें अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो छापा पड़ जाता है और लुटिया गोल हो जाती है। क्या